गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारी कक्षा बीए थर्ड ईयर विषय हिंदी साहित्य पेपर प्रथम भक्ति काव्य। तो इससे पहले भक्ति काल की हम काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा के सूफी कवि और संत कवियों के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हमने भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवियों के बारे में जाना और आज हम भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवियों के बारे में संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं या जानते हैं। तो इनके अंदर कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि जो थे, यानी जिन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे, कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी, इन कवियों के अंदर अष्ट छाप के कवि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अष्ट छाप के कवि कौन थे और अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? अष्ट छाप की स्थापना गोस्वामी विठल नाथ ने 1564 ईस्वी में की थी, जिसके अंदर चार महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और चार गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य, दोनों के चार चार शिष्य थे। वल्लभाचार्य विठलनाथ के पिता थे, यानी चार पिता के शिष्य और चार पुत्र के शिष्य, इन आठों सखाओं को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? विठलनाथ ने की थी। कब? 1564 ईस्वी के अंदर। तो इन अष्ट छाप के कवियों को अष्ट सखा भी कहा जाता है, अष्ट सखा भी कहा जाता है और आठ भक्त कवि भी कहा जाता है, जो कि पुष्टि संप्रदाय के अंदर दीक्षित थे। यानी पुष्टि संप्रदाय वह संप्रदाय है जिसके अंदर भक्त अपने आप को भगवान की कृपा के ऊपर ही निर्भर बना लेता है, भगवान के अनुग्रह पर वह निर्भर हो जाता है, उसे पुष्टि संप्रदाय कहते हैं। इस पुष्टि संप्रदाय की जो चलन था वो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने शुरू किया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य में पहला स्थान आता है भक्त कवि सूरदास का। सूरदास का जन्म विद्वानों के अनुसार, जैसे नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल और गोकुलनाथ ने अपनी रचना 84 वैष्णवन की वार्ता में बताया है कि उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हरियाणा के वल्लभगढ़ के समीप सीही नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से इन्होंने 105 साल के लंबे जीवन को व्यतीत किया था। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी तीन रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर सूरदास की कीर्ति का आधार स्तंभ है, यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और ये कृष्ण काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशाल ग्रंथ है। इसके अंदर सार रूप में विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख हुआ है, परंतु इसका जो मूल विषय है वो है कृष्ण की जीवन गाथा, जो कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नामक दो खंडों के अंदर विभक्त है। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से प्रभावित है, लेकिन फिर भी यह अपनी मौलिकता के लिए प्रसिद्ध है। सूरसागर के बाद इनका जो दूसरी ग्रंथ है या रचना है वो है सूरसारावली। सूरसारावली सूरसागर का ही संक्षिप्त रूप है, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद इनकी अगली रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है वो एक रीति ग्रंथ है, यह मूलतः रस अलंकार और नायिका भेद के ऊपर आधारित ग्रंथ है, जिसमें दृष्टकूट पदों की रचना की गई है। इसके अंदर कवि ने राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं को आलंबन बनाकर अलंकार और नायिका भेद का निरूपण किया है। सूरदास की ये तीन रचनाएं हैं, ये प्रामाणिक मानी जाती हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, और तीनों की भाषाएं ब्रज भाषा, तीनों के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, यानी इन्होंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग नहीं किया है। सूरदास जो थे वो जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, फिर भी इनकी रचनाओं के अंदर ऐसा वर्णन किया गया है जैसा कि दूसरे कवि अपनी खुली आंखों से भी नहीं कर पाए। सूरदास जो थे वो स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उसके बाद अष्टछाप के कवियों में या कृष्ण भक्त कवियों में दूसरा नाम आता है कुंभनदास का। कुंभनदास का जन्म जो है वो 84 वैष्णवन वार्ता ग्रंथ के आधार पर कहा जा सकता है कि 1468 ईस्वी में हुआ था। इनकी हमें स्वतंत्र ग्रंथ या स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं होती है और इनकी जो रचनाएं थी कुंभनदास की, या कुंभनदास ने जो भी रचना लिखी थी
वो रचना राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत घमार कीर्तन के अंदर संकलित है। यानी इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की, इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं लिखी, जो पद लिखे, श्री कृष्ण की भक्ति के जो पद लिखे, वो राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन एवं वसंत घमार कीर्तन, इन चारों रचनाओं के अंदर संकलित किए गए हैं। उसके बाद कुंभन दास जो थे वो भी स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद जो तीसरा स्थान आता है वो है परमानंद दास का। परमानंद दास भी स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। परमानंद दास का जन्म कन्नौज में एक निर्धन कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये अष्ट छाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जन्म भी जनश्रुतियों के अनुसार 1493 ईस्वी के अंदर हुआ था। इन्होंने भी वल्लभाचार्य से पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा ली थी और ये जीवन भर अविवाहित रहे। परमानंद ने अधिकांशतः मुक्तक पदों की रचना की। जो मुक्तक पद अब परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह इनके अंदर संकलित है। यानी इनकी तीन काव्य रचनाएं हमें मिलती हैं, परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह। ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य से इन्होंने पुष्टि मार्ग के अंदर दीक्षा ली थी। उसके बाद जो चौथा स्थान है वो है कृष्णदास का। कृष्णदास भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म 1496 ईस्वी में अहमदाबाद के चिलोत्रा गांव में हुआ था। और गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ जो कि स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, इन्होंने इनकी प्रबंध पटुता से प्रभावित होकर मंदिर के प्रबंध का दायित्व इनको सौंपा था। कृष्णदास का भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ हमें नहीं मिलता है। इनके फुटकर पद हैं वो ही उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। तो इस तरह से ये चार कवि, जो पहले चार कवि कृष्ण भक्त काव्य के पहले चार कवि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों कवि स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा ली थी। कृष्णदास के बाद अगला स्थान आता है नंददास का। अष्ट छाप कवियों में सूरदास के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी नंददास हैं, जिनका जन्म सन 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोरों के पास रामपुर ग्राम में हुआ था। वे ब्राह्मण जाति से संबंधित थे और ये विठलनाथ के शिष्य थे। जो पहले चार कवि थे वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नंददास गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। यानी इन्होंने पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा विठलनाथ जी से ली थी। नंददास की काव्य रचनाएं रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, भ्रमर गीत, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, नाम मंजरी, रुक्मणी मंगल, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई और सिद्धांत पंचाध्यायी, ये इनकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। इनमें से रास पंचाध्यायी को नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है। इसमें कवि ने भागवत की कथा का सरल रूपांतर किया है और इसी के अंदर भ्रमर गीत के अंदर इन्होंने उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया है। नंददास जी की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। यानी सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास और पांचवें कवि नंददास, इन सभी पांचों कवियों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। और इन्होंने ब्रज भाषा का इतना सुंदर प्रौढ़ और पुष्ट स्वरूप जो है वो विकसित किया, इस वजह से इनको जड़िया की उपाधि दी गई। यानी नंददास को जड़िया के उपनाम से भी जाना जाता था। नंददास के बाद अगला स्थान आता है गोविंद स्वामी का। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 में राजस्थान के भरतपुर राज्य के अंदर आंतरी गांव में हुआ था। इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ थे, यानी ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। गोस्वामी विठलनाथ ने 1535 ईस्वी में इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। गोविंद स्वामी के स्वतंत्र ग्रंथ की अगर हम
कहीं देखें तो इनका स्वतंत्र ग्रंथ हमें नहीं मिलता है, लेकिन जो इन्होंने भजन कीर्तन के लिए पद लिखे थे उन्हीं का संकलन बाद में गोस्वामी गोविंद स्वामी के पद नाम से किया गया, यानी इनकी जो प्रामाणिक रचना है वो है गोविंद स्वामी के पद। उसके बाद अगला स्थान आता है छीत स्वामी का। छीत स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। वे मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। यह तथ्य प्रसिद्ध है कि वे बिरबल के पुरोहित थे। विठ्ठलनाथ ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया, यानी छीत स्वामी के गुरु भी गोस्वामी विठ्ठलनाथ थे। इन्होंने गोस्वामी विठ्ठलनाथ से पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। इनकी काव्य रचना है छीत स्वामी की पदावली, जो प्रामाणिक काव्य रचना मानी जाती है। छीत स्वामी के बाद अगला नाम आता है चतुर्भुजदास का। चतुर्भुजदास अष्टछाप के कनिष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी उम्र के अंदर ये सबसे छोटे थे अष्टछाप के कवियों में। अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि कौन थे? चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास का जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था। और चतुर्भुजदास के पिता का नाम कुंभनदास था। ये कुंभनदास वही हैं जो कि कृष्ण भक्त कवि थे और जो इनका हमने दूसरे नंबर पर अध्ययन किया था। कुंभनदास जो थे उनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ और चतुर्भुजदास का जन्म 1530 ईस्वी के अंदर हुआ था। चतुर्भुजदास जो हैं वो सबसे छोटे थे अष्टछाप के कवियों में, सबसे छोटे थे और इनके पिता भी कृष्ण भक्त कवि थे। कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके पुत्र चतुर्भुजदास गोस्वामी विठ्ठलनाथ के शिष्य थे। इनकी काव्य रचना चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला, ये तीन काव्य रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। इनकी भाषा भी ब्रज भाषा थी। तो ये आठों कवि जो थे ये थे अष्टछाप के कवि या अष्ट सखा के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। अष्टछाप की स्थापना जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने की थी और इन अष्टछाप की स्थापना के अंदर चार भक्त कवि जो थे वो गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य और चार गोस्वामी विठ्ठलनाथ के शिष्य, इन आठों को मिलाकर विठ्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग के अंदर इनको दीक्षित करने के बाद अष्टछाप की स्थापना की थी। और वल्लभाचार्य और विठ्ठलनाथ का रिश्ता आपस में पिता पुत्र का रिश्ता था और इन आठों कवियों की भाषा ब्रजभाषा थी। उसके बाद इन आठों कवियों अष्टछाप के कवियों के बाद कृष्ण भक्त काव्य परंपरा में जो अगला नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है वो है रहीम का। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। अकबर के अभिभावक और मामा बैरम खान इनके पिता थे, यानी इनके पिता का नाम बैरम खान था। अब्दुल रहीम खान खाना अपने समय के वीर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ और सहृदय कवि थे। वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे और अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण विख्यात थे। ये कृष्ण भक्त कवि थे, यानी इन्होंने कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य रचनाएं की। इनकी काव्य रचनाएं हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी और मदनाष्टक। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनकी काव्य रचनाओं में लोक व्यवहार, नीति, भक्ति और अन्य अनुभूतियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ये कृष्ण के सहृदय भक्त थे। कृष्ण भक्ति परक दोहों के अतिरिक्त रहीम ने श्रृंगार और प्रेम के बरवे भी लिखे हैं। इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। रहीम के बाद अगला जो नाम है कृष्ण भक्त काव्य परंपरा में वो है रसखान का। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। ये मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त हुए थे। इनकी काव्य रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में कवित और सवैये हैं और प्रेम वाटिका में दोहे हैं। रसखान के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण प्रेम है। कृष्ण और उससे संबंध रखने वाली सभी वस्तुएं उन्हें अत्यंत प्रिय थीं। वे श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और लीलाओं पर सच्चे हृदय से न्योछावर थे। इनकी भाषा सहरस ब्रज भाषा है, यानी इन्होंने अपनी काव्य की रचनाएं ब्रज भाषा के अंदर की है।
इसके बाद कृष्ण भक्त कवियों में अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है मीराबाई। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास चोकड़ी ग्राम में सन 1498 के लगभग माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म 1498 ईस्वी के आसपास मानते हैं। यानी मीराबाई के जन्म के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद देखने को मिलता है। यहाँ पर विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है। मीरा के पिता का नाम जोधा रतन सिंह था। बाल्यावस्था में माता का निधन हो जाने के कारण उन्हें पितामह दूदा जी के साथ रहने का अवसर मिला। दूदा जी की धार्मिक भावनाओं का बालिका मीरा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा और बचपन में ही उनमें श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजवंश में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ और 7 वर्ष के पश्चात ही वे स्वर्गवासी हो गए। इस प्रकार विधवा मीरा पूर्णतया गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित हो गई। मीरा जी की जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, नरसी मेहता की हुंडी, मीरा की गरबी और मल्हार राग। ये इनकी प्रामाणिक काव्य रचनाएं मानी जाती है। मीरा की काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति का निरूपण अधिक हुआ है। उनके काव्य में भावुकता, माधुर्य भाव और गहन वेदना की भावना सर्वत्र देखी जा सकती है। इनकी पद संगीत के स्वरों में बंधे हैं, यही कारण है कि उनके पद आज भी गाए जाते हैं। मीरा की काव्य में मूलतः ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और उस पर राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव है। निसंदेह मीरा हिंदी की प्रथम सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है। तो इस तरह से ये हमारे थे कृष्ण भक्त कवि। इन कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछाप के 8 कवि हैं। अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये चारों महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि संप्रदाय में इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। उसके बाद नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास, ये 4 कवि हैं। ये गोस्वामी विठ्ठलनाथ के शिष्य थे जिन्होंने विठ्ठलनाथ से पुष्टि संप्रदाय में दीक्षा ली थी। यानी ये 8 कवि पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे, अष्टछाप के कवि थे, अष्ट सखा नाम से ये जाने जाते थे। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ के शिष्य थे। उसके बाद इन 8ों के बाद अगला नाम आता है रहीम का, अगला नाम आता है रसखान का और अगला नाम आता है मीराबाई का। इस तरह से ये 11 कवि थे जो कि कृष्ण भक्त काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।